लखन
जी मेरा नाम विवेक गुलाटी है। गुलाटी जी, आपने शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत ये सोच के कभी नहीं करी थी। ये मैं अपने कैफे में एक आर्टिस्ट को बुलाया था कि अभी एक लाइव शो करना चालू करते हैं। वो करते 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 लोगों ने इतने अप्रिशिएट किया, कला का मुझे लगा कि गले गली में कलाकार है, तो लोगों के पास हमारे पास माइक कम पड़ जाते, आर्टिस्ट ज़्यादा हो जाते थे, तो कलाकार धीरे धीरे करते करते हमारे पास 50 लोगों का ग्रुप हो गया। तो आज इसमें कई कोई आरजे भी हैं, मैम काफ़ी मतलब काफ़ी कोई जॉब करता है, कोई अपने घर में पार्ट टाइम करता था तो निकल नहीं पाता था, आज के टाइम में वो वहाँ से जॉब छोड़ के फुल टाइम यही परफॉर्मेंस करते हैं। जी मेरे, हाँ जी, मेरे केक डिज़ाइन के नाम से मेरा कैफेज है। तो सोचा कभी नहीं था, अभी रिसेंटली हम फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पर लाइव करते थे और बाकी दिन रेस्ट दिन हम जैमिंग करते थे। एक दिन रैंडमली हमने थर्सडे को कुछ हमने भजन किया तो हमें लगा कि हमें ट्यूसडे को करना चाहिए, तो ट्यूसडे को हम लोग लास्ट ट्यूसडे हमने एक ऐसे रैंडमली किया और वो वीडियो वायरल भी हो गई, लोग पहचानने लगे, तो हमने सोचा हर ट्यूसडे को हम लोग आपका स्पिरिचुअल जैमिंग किया करेंगे। आगे की प्लानिंग, ये मुझको इससे भी पहले मेरी प्लानिंग थी 6 महीने पहले से कि मुझे रामेश्वरम जाना था, तो रामेश्वरम था कि हम आर्टिस्ट शॉप को गली गली में पहुंचाएंगे, मतलब कि हमने सोचा था कि हमें पहले यहाँ से झांसी और एक जगह से नागपुर और जगह जगह जाके हम वहाँ पे पहुंचाएंगे और रामेश्वरम तक जाएंगे, हर गली में जाएंगे, जिस जगह लेके जाएंगे आर्टिस्ट को प्रमोट करेंगे, हमारा मकसद ये था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझको हम लोग पहले हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से हम रामेश्वरम जाएंगे, पहले हम सिर्फ 4 लोग जाने की सोच रहे थे, अब मुझे ज़्यादा टेम्पो ट्रेवलर लेके जानी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, मेरे साथ आर्टिस्ट बहुत जुड़ गए हैं, पहले तो सिर्फ मैं अकेला था, मेरे साथ 2 हुए, 3 हुए।